मांग जो है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर अनुगुल आज कलेक्ट्रेट के सामने, सिर्फ यहाँ नहीं मैं कहूँगी कि पूरे प्रदेश भर में कर रही हैं, उनका मांग इसलिए हम जायज़ समझते हैं क्योंकि जितना वो मेहनत करती हैं, एक माँ जब अपने बच्चे को घर में देखती है तो उसके लिए केवल एक बच्चा या दो बच्चे घर में होते हैं, उनके लिए पूरे आंगनवाड़ी में आने वाले उनके बच्चे हैं और वो उनका देखभाल उसी माँ के प्रकार करती है कि उनको कैसे पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, कैसे उसकी उसका वेट बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसकी चिंता वो करती हैं। मुझे लगता है जितना वो मेहनत करती हैं उतना उस हिसाब से उनका जो हक है, उनका जो मानदेय है वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ प्रदेश का पूरा महिला मोर्चा, मैं कहूँगी हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रही हैं उनके साथ है, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश भी आप देखें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर आप देखें तो ये मानदेय इससे कहीं ज़्यादा है। ये बहुत, मुझे लगता है कि कम मानदेय उनको यहाँ प्रदेश सरकार दे रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो सेंटर से फंड भेजा जाता है उसको एक गलत तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल प्रदेश की सरकार कर रही है, उसका मिसयूज़ कर रही है मैं कहूँगी, उसको उन्हें उसका एक सही इस्तेमाल करते हुए इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको सही मानदेय उनको देना चाहिए, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। मैडम आपका दो दिन का टूर है अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, किस किस ये में आप ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए यहाँ पर जो नवीन सरकार है वो क्या कहती है कि हम महिलाओं के लिए सरकार है, फोकस हमारा ये है कि महिलाओं तक ये बात पहुंचाना कि वो महिलाओं को केवल वोट बैंक समझकर उनका वोट मांगने का काम करते हैं, वो महिलाओं के उद्धार के लिए या उनको सशक्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इस प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो केंद्र से होती हैं उन योजनाओं को वो यहाँ लागू ही नहीं करते हैं, वो यहाँ उस जनता तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, या कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जिनका नाम बदल देते हैं, अपना नाम उसमें लगा देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो ही उस योजना को चला रहे हैं। तो ये सही जो इन्फॉर्मेशन है मैं कहूँगी वो हमारी महिला तक पहुँचे, वो हमारी कार्यकर्ता तक पहुँचे, वो हमें ज़रूरी है और वही काम हम यहाँ करने आए हैं पूरे प्रदेश में। 32 दिन है सारा ओडिशा आंदोलन चलती, कत दुर्भाग्यर कथा आम गोटे मटी रोचु जो मटी 23 वर्षर सरकार से कहि कौन ना मो माँ को सम्मान दूची, तो ये जो 70 लाख महिला को आम सशक्तिकरण कथा कौन, ये जो 1.5 लाख माँ आज ओडिशा राजरास्त बसी एमने कौन आज्ञा से 70 लाख भितर आसुवा महिला नुहत कि आज सरकार कहीं शुणुनी, आज नर्स मैंने दाबी कर टीचर मैंने दाबी कर प्रत्येक कथार समस्त जो दाबी रोचे दाबीर समाधान बाट कौन सरकार तो आज समाधान करने के बाहरी ना आशा आंगनवाड़ी दीदी जो दाबी अच्छी ये दाबी मानने ग्रहणीयतार दाबी दीर्घ दिन धरी कम कले जो रेट रे मार्केट रा प्राइस बढ़ुची जो अनुसार आप मानकर दरमा हार बढ़ुची से बढ़वनी कहीं केन्द्र अनुदान तुम्हें जिनस को जितेबाला चलाउ तुम्हें केन्द्र तो तुमको सहायता राशि बढ़ाऊँ तुम्हें कहीं सहायता राशि तुम से अनुसार बढ़ोन सेमानक दाबी तुम राज्य रे केते अन्य राज्य तुलना रे ओडिशा रे बहुत कम दरमा दिया जाउची तना आमे जतेबेले देखंतु समस्त समस्त सहित संपर्क रे रहउचंती राज्य राज्य रे कोन स्थिति अवस्थिति एक कथा को आज समस्त जानी पडचंती कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एत स्मार्ट हेगलाणी जे समस्त हाथ में एंड्रॉइड सेट मैंने सब खबर से जानुचन दाबी तांकर जो दाबी अच्छे से दाबी एक न्याय्य दाबी बोली कहजिबो एवं से दाबी को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा तरफ रु आमे ए कथा को ग्रहण करछु एवं तांकु मध्य समर्थन जणुछु जे कथा पे राष्ट्रीय साधारण संपादिका महिला मोर्चार दीप्ति राउत जी आम सहित आसी आज या समर्थन जनवाक एवं जिलार पूर्ण टीम सहित एटि पूर्वतन सांसद रुद्र भाई अच्छा आम ओडिशा रे चलुवा ये आंदोलन कहा जाए परे ये प्रतिवाद कहा जाए परे किंतु आपको भारतीय जनता पार्टी दृढ़ समर्थन कर समर्थन को आग को आम अनुरोध कर भौनी मानक जे जते पर्यंत सरकार न मानी सेते पर्यंत तुम्हें भी तुम जगह छाड़ ना। दुई दिनिया देखु विभिन्न वर्गर कार्यक्रम रही आपंकर सी न्यू भोटर ठार नहीं आपंकर किन्नर संप्रदाय पर्यंत सब प्रकार सब स्तर समाज जिते स्तर अच्छे सब स्तर को छुईबे से समस्त सागर बैठक अच्छी कौटी आम मोदी योजना कथा कहूँ कौटी सरकार विफलता कथा कहूँ कितु सचेतन करूँ
जे महिला मुख्य उद्देश्य होची जे केन्द्र रु मोदी कोटी कोटी टंका एठी को पठौछन महिला को समर्थ करिवा पेंका किंतु राज्य सरकार जानी शुणी बाटबणा करछन असमर्थ ही महिला रुंतु सबुदी ये होची राज्य सरकार एजेंडा।